हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिंह स्टडी सेंटर। टुडे अवर टॉपिक ऑन ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या है और हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट आवर ए नेटवर्क, उसकी डिफरेंट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल और इसके बारे में जानेंगे। फर्स्टली हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओएसआई मॉडल है क्या? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। और इसका रेफरेंस क्यों बोला जाता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज डेवलप्ड बाय फर्स्टली बाय आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1984। बट इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं मानते। इम्प्लीमेंट हम किसको मानते हैं? TCP/IP को हम इम्प्लीमेंट मानते हैं। तभी इसको हम OSI को हम रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं मानते। उन्होंने स्टार्ट किया था OSI को मॉडल को, इसमें बताया कि हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट अवर नेटवर्क। एक हार्डवेयर डिवाइसेस में जो एप्लीकेशन है वो कैसे कम्युनिकेट करती है एक नेटवर्क के अंदर, उसके बारे में जाना था। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की डिफरेंट सेवन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल होती है। इसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। जो लास्ट लेक्चर मैंने लिए थे नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिकल लेयर इज फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर का में है, और सेकंड लेयर पे डाटा लिंक लेयर, थर्ड पे नेटवर्क लेयर। ये फर्स्ट फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है जहाँ एप्लीकेशन लेयर है, इस पे कंफ्यूजन रहता है। अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसी चीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेयर इज द फर्स्ट लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर इज द सेकेंड लेयर। बट एट द रिसीविंग एंड व्हेन द पैकेट और डाटा इज रिसीव्ड इन बिट्स, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये फिजिकल लेयर जो है ये फर्स्ट लेयर होगी और डाटा लिंक लेयर ये हमारी सेकेंड लेयर होगी। इस एप्लीकेशन इस डिफरेंट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल को याद रखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, All people seems to need data processing. A for application, P for presentation layer, S for session layer, T for transport layer, and N for network layer, D for data link layer, and P for physical layer. OSI model को याद रखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, All people seems to need data processing. Okay, friends. अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इन जो लेयर है सेवन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल कैसे काम करती है। सेवन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, सेवन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल कैसे काम करती है हम देखेंगे आगे। फर्स्टली आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन लेयर ट्रांसमिटिंग के टाइम एप्लीकेशन लेयर इज द फर्स्ट लेयर, बट व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू फिजिकल मीडिया रिसीविंग एंड पे दौरान हम जो एप्लीकेशन लेयर है वो हमारी लास्ट लेयर होगी और फिजिकल लेयर जो हमारी वो फर्स्ट लेयर होगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये डिफरेंट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल काम कैसे करती है। इसके लिए हम एक स्टोरी को लेते हैं, जबकि स्टोरी की तरह समझेंगे कि ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है। मान लीजिए कि एक यूजर है, एक कंपनी का सीईओ है, वो एक रशियन कंपनी है, रशियन कंपनी का सीईओ है। उसने क्या किया, कोई एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन लेयर क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूजर को। उसने सीईओ को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया थ्रू, जैसे आप सोच सकते हैं कि HTTP है, HTTP है, FTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, DNS है, डोमेन नेम सर्वर है, POP है। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम गूगल पे कोई टाइप करते हैं तो ये इंटरफेस है ये हमारे लिए, गूगल के थ्रू हम कुछ टाइप करते हैं तो गूगल उस इंटरफेस के थ्रू हमें जो डाटा प्रोवाइड करता है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए। मान लीजिए जो सीईओ था उसने कोई डाटा बनाया, कोई पैकेट बनाया, उसने कोई उसके पास जो फाइल थी 800 पेज की कोई फाइल थी,
800 पेज की फाइल थी, उसने वो फाइल थी रशियन लैंग्वेज में लिख दी पूरी फाइल को। 800 पेज को उसने टाइप करने के बाद उसने बोला कि ये डाटा जो है इंडिया में मेरे पास पहुंचा दो या किसी और के पास बोल दो। तो 800 पेज की उसने फाइल जो है वो इंडिया में पहुंचानी है किसी के पास। अब इंडियन जो है वो तो इंग्लिश में लैंग्वेज को ही रीड कर पाएंगे, ना तो जहाँ तो हिंदी को या इंग्लिश को, रशियन को तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा कि उस जो फाइल को रशियन लैंग्वेज में जो फाइल थी उसको क्या करिए उसने ट्रांसलेट उसने कन्वर्ट किया इंग्लिश में। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद इसने उसको उस फाइल को जो 800 पेज की जो फाइल थी उसको इसने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। अब इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद क्या करेगा ये, इसको इंग्लिश में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि रिसीविंग एंड पे जो था उसको जो फाइल थी वो उसको उसी फॉर्मेट में चाहिए थी। आगे उसने इसी उस फाइल को 800 पेज की फाइल को जिसको इसने फॉर्मेट कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था इंग्लिश में, उसने क्या किया सेशन लेयर को भेज दिया। अब सेशन लेयर का क्या काम है, इसने क्या किया एस्टेब्लिश किया कनेक्शन किया सेशन लेयर के साथ, रिसीविंग एंड के सेक्शन लेयर के साथ उसने कनेक्शन उसके साथ एस्टेब्लिश कर लिया कि भाई मैं तो ये एक डाटा भेज रहा हूँ, एक 800 पेज की फाइल भेज रहा हूँ, उस फाइल को जब रिसीव कर लेगा तो मुझे अक्नॉलेजमेंट दे देना। उसने बोला ठीक है भाई, आप तो भेज दे भाई फाइल, मैं जब मेरे पास पहुंच जाएगी तो मैं तो ये अक्नॉलेजमेंट दे दूंगा। तो उसने उस फाइल को उसने अक्नॉलेजमेंट देने के लिए उसने उसको बता दिया। अब सेशन लेयर ने क्या किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद क्या किया ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया। और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, उसने क्या देखा कि भाई ये तो 800 पेज की फाइल है तो बहुत लंबी है। अब ये का फाइल अगर एक भी कहीं गुम होगी तो पूरी की पूरी फाइल चली जाएगी, अगर एक फोल्डर कहीं गुम हो गया। तो उसने क्या किया उस फाइल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 100 की उसने एक फाइल बना दी और 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि अगर 8 पार्ट कहीं गुम भी हो जाता है तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ भी एक पार्ट इसमें मिसिंग है, तो वो उस बता देगा उसको। तो उसने क्या किया 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब 8 पार्ट में जब डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इसने क्या किया इसको दे दिया नेटवर्क लेयर को। और नेटवर्क लेयर ने क्या क्या किया इसको, नेटवर्क लेयर का क्या काम था, आईपी एड्रेस वाला काम था। उसने क्या किया फ्रॉम ओ टू उस पे ऐड कर दिया कि अभी तूने कहाँ जाना है और कहाँ से मैं भेज रहा हूँ भाई, उस पे ऐड कर दिया उसने। अब ऐड करने के बाद फ्रॉम ओ टू ऐड करने के बाद उसने क्या किया डाटा लिंक लेयर को दे दिया। अब डाटा लिंक ने दिया कि फ्रॉम ओ टू तो ऐड है इसमें बट ये तो इनवेलप कोई भी खोल के देख लेगा। तो उसने क्या किया उसकी उसको जैसे हम करते हैं कि उसको क्या करिए सील कर दिया, फेविकोल चिपका दिया, जहाँ सील कर दिया उसके बाद फेविकोल चिपकाने के बाद उसने टप्पा लगा के सील कर दिया उसको। सील करने के बाद नेटवर्क लेयर ने भाई बता रखा था कि भाई नेटवर्क लेयर का क्या काम है राउटिंग का, क्योंकि राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो उसने रूट डिसाइड करके इसको बता दिया था डाटा लिंक लेयर को कि किसके थ्रू भेजना है, तो किसके थ्रू भेजेगा। तो उसने इसको बता दिया भाई किसके थ्रू भेजना है, कौन से रूट से भेजना है, कौन से रूट से आसानी से चला जाएगा, कौन से रूट से ये आज जल्दी पहुंच जाएगा, तो ये और कौन से रूट ये कोलिजन नहीं होगा ट्रैफिक का। तो ये सब देख के उसने नेटवर्क लेयर ने डाटा लिंक लेयर को बता दिया। और डाटा लिंक लेयर ने क्या किया उसने फिजिकल मीडिया तो जो जिस जिस मीडियम से उसने बताया था कि इस मीडियम से भेजना है वो मीडियम उसने फिजिकल लेयर से ले लिया, थ्रू केबल ले लिया, थ्रू वाईफाई ले लिया, कैसे भी ले लिया उसने, थ्रू इंटरनेट ले लिया। तो उसने फिजिकल मीडियम के थ्रू उसने क्या किया उस डाटा को ट्रांसफर कर दिया। अब डाटा ट्रांसफर हो गया, अब मान लो जी कि वो इंडिया में पहुंच गया, ये पहुंच गया इंडिया में फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर क्या है, कोई भी केबल होगी, वाईफाई, इंटरनेट, कुछ भी किसी भी माध्यम से उसने ये डाटा हमारे पास पहुंचा दिया इंडिया में। अब इंडिया में रिसीव होने के बाद डाटा लिंक लेयर के पास आया, पहले फिजिकल लेयर के थ्रू आ गया हमारे पास, उसके बाद क्या हुआ डाटा लिंक लेयर के पास आ गया। डाटा लिंक लेयर ने क्या किया उस डाटा को देखा कि इसमें आया कहाँ से भाई, ये फ्रॉम टू टू देखा कि मेरे लिए है या नहीं है, और देखा कि भाई सील लगी हुई है नहीं है, अगर सील निकला तो नहीं है कहीं इनवेलप कहीं खुला तो नहीं है, किसी ने खोला तो नहीं डाटा को। तो ये सब डाटा लिंक लेयर ने चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद उसने क्या किया नेटवर्क लेयर को दे दिया। और नेटवर्क लेयर ने देखा भाई किस रूट से आया, कहाँ से आया, किसने दिया, फ्रॉम टू, उसने दोनों चेक कर दिया, यानी इस सील इसने चेक कर ली थी, इसने निकाल के इसको पकड़ा दिया, इसमें फ्रॉम टू इसने देख लिया कि फ्रॉम टू कहाँ से आया। अब फ्रॉम टू देखने के बाद उसने क्या किया ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने देखा कि भाई 8 पार्ट में फाइल मुझे मिल गई है, तो 8 पार्ट को उसने क्या किया
उसने क्या किया, उस 8 पार्ट को एक फाइल बना दिया, 800 पेज की उसने एक फाइल बना दी। तो जो उसने ट्रांसमिटर के टाइम उसने से उसमें छोटे छोटे सेशन में कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया था, उसने क्या किया उसको, उसने फिर से उसको कंबाइन कर दिया। अब सेशन लेयर के बाद जैसे ही आएगा, सेशन लेयर ने देखा कि वह एस्टेब्लिश कनेक्शन था, उससे बात कर रहा था फोन पे कि हाँ अभी उससे कि मैंने जब मेरे पास आएगा तो मैं बताऊंगा। उसने क्या किया, उसको कॉल किया ट्रांसमिटर लेयर, ट्रांसमिटिंग मीडिया के ट्रांसमिशन के टाइम जिसने कॉल किया था, जिस कंपनी ने, रशियन कंपनी ने कॉल किया था, उसको दोबारा कॉल किया कि हाँ भी जो तूने डाटा भेजा था, जो तूने फाइल भेजी थी वो मुझे मिल गई। तो सेशन लेयर ने ये करने के बाद जो उन दोनों के बीच में जो जो कनेक्शन था, जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कनेक्शन की, यहाँ पे जब मिल जाएगा तो मुझे अक्नॉलेजमेंट देना, तो उसने क्या किया उस कनेक्शन को उसने कर दिया, काट दिया। अब काटने के बाद जब मिल गया उसको डाटा, तो उसने क्या किया, प्रेजेंटेशन लेयर को दे दिया। प्रेजेंटेशन लेयर ने फिर उसको कन्वर्ट किया जैसे जिस लैंग्वेज में समझना चाहता, अगर उसने अगर नहीं कन्वर्ट किया है, उन्होंने रशियन में ही भेज दिया है, उसने रशियन लैंग्वेज को उसने क्या किया, उसने इंग्लिश में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन लेयर को दे दिया। एप्लीकेशन लेयर में कौन है, जो जो सीईओ बैठा है यहाँ पे इंडिया में, तो वो आ गया। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होगे कि कैसे काम किया। एप्लीकेशन लेयर के पास फर्स्टली डाटा था, उसने इस डाटा को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर देखती है कि रिसीविंग एंड पे कौन सी फॉर्मेट में उसको डाटा चाहिए। सेशन लेयर के पास आया तो सेशन लेयर ने एस्टेब्लिश कनेक्शन किया उसको जिसके पास भेजना है रिसीविंग एंड के पास, रिसीविंग एंड के साथ उसने सेशन लेयर ने एस्टेब्लिश किया कनेक्शन कि जब मिल जाए तो मुझे बताना। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, इसको सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे सेक्शन में, ताकि डाटा जो है वो कलेप्स ना हो या डाटा मिसिंग ना हो। नेटवर्क लेयर ने क्या किया, उसमें फ्रॉम टू ऐड किया। अब डाटा लिंक लेयर ने क्या किया, उसमें फ्रॉम टू को चेक करने के बाद उसने क्या किया, उसको सील किया, उसको सिक्योरिटी सिक्योर किया। सिक्योर करने के बाद उसने फिजिकल लेयर को दे दिया अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क ने जो मीडियम बताया था, जो रूट बताया था, उसके थ्रू उसने आगे फिजिकल लेयर को दे दिया। सेम ऐसा ही रिसीविंग एंड पे रिसीव किया हमने, उसने फ्रॉम टू सील देखा, सिक्योर है नहीं है, डाटा लीक तो नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन कोई लीक नहीं हुई। उससे उसके बाद नेटवर्क लेयर को दे दिया, नेटवर्क लेयर ने फ्रॉम टू देखा और उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो छोटे छोटे सेशन में बांटा हुआ था उसको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद सेशन लेयर को दे दिया। सेशन लेयर ने जो उसके साथ एस्टेब्लिश किया था, जो ट्रांसमीटर के साथ जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, उसको बताया और उसके कनेक्शन को एंड कर दिया। प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको दोबारा कन्वर्ट किया जिस लैंग्वेज में अब यूजर समझना चाहता था, तो और एप्लीकेशन लेयर को उसने प्रूव दिया। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एक इंटरफेस है जो हमारे को प्रोवाइड किया जाता है, फायर कनेक्शन इंटरफेस। अभी आगे देखते हैं। सेशन लेयर क्या करती है, और प्रोवाइड लॉजिकल पोर्ट फॉर डाटा सेंड फॉर फाइल ट्रांसफर के लिए अलग से होता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है कि सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, इसको छोटे छोटे पैकेट को सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये पैकेट जो है वो मिसिंग ना हो, तो इसलिए उसको सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। नेटवर्क लेयर के पास जब आया, नेटवर्क लेयर ने क्या किया, उसको एक तो नेटवर्क लेयर का काम है, इसमें राउटर क्या है, राउटर क्या करता है, रूट प्रोवाइड करता है और इंटरफेस प्रोवाइड करता है नेटवर्क इंटरनेट के साथ। तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, जो वो पैकेट आया था उसके ऊपर उसने फ्रॉम और टू का जो आईपी एड्रेस है वो लिखा उसने, कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, ताकि आईपी एड्रेस क्या है, एक लैंग्वेज है जो डेस्टिनेशन एड्रेस पे फिर हो के रीड कर पाएगा कि ये कहाँ से आया है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के क्या काम है, डाटा लिंक लेयर के 3 मेन फंक्शन है, टू डील विद ट्रांसमिशन एरर, रेगुलेट द फ्लो ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड ए वेल डिफाइंड इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ने जो इसको रूट दिखाया दिया था वो प्रोवाइड इसको करता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक के लेयर के पास आया, उसने क्या किया फिजिकल लेयर का, फिजिकल लेयर क्या है, एक मीडियम है, एक थ्रू केबल हो गया आपका, ट्रांसफर करने के लिए कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं, उसमें क्या हो बिट्स में जाएगी। अब जो डिजिटल फॉर्मेट में जो कोई भी डाटा जाता है तो उसको किस फॉर्म में जाता है, 10 10 10 के फॉर्म में जाता है। क्यों जाता है ऐसा, जैसे ये है, इसको हम 0 मानेंगे और इसको हाई को 1 0 जीरो, ये ऊपर 1 नीचे 0 फिर 10 10 1, क्योंकि जो डिजिटल फॉर्मेट में डाटा 10 10 1 की फॉर्म में जाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है हमारा, जो सिस्टम है,
जो हार्डवेयर डिवाइसेज है वो इसी लैंग्वेज को रीड कर पाते हैं। मतलब इसने इसको डाटा को फिजिकल फॉर्मेट में भेज दिया, फिजिकल फिजिकली फिजिकल थ्रू फिजिकल मीडिया के थ्रू भेज दिया, तो फिजिकल मीडिया के थ्रू हमें रिसीव हुआ। उसके बाद डाटा लिंक लेने सेम वही किया, उसने इसका डाटा लिंक लेने क्या किया, इसको चेक किया कि डाटा सिक्योर है या नहीं है, या इसमें कोई लीकेज तो नहीं हुआ है, वो एरर डिटेक्शन उसमें सब कुछ किया। उसके बाद नेटवर्क लेयर को दे दिया। नेटवर्क लेयर ने क्या चेक किया कि कहाँ से पैकेट आया है और कहाँ के लिए था, ये लेकिन मेरे लिए है या एक्चुअली मेरे लिए है भी है या नहीं है। तो उसने क्या किया, नेटवर्क लेयर ने इसको चेक किया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो सेगमेंट में कन्वर्ट किया था उसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद उसने सेशन लेयर को दे दिया। सेशन लेयर ने क्या किया, डाटा को उसने जो एस्टेब्लिश किया था कनेक्शन, जो अपना ट्रांसमीटर के साथ सोर्स नोड के साथ जो एस्टेब्लिश था उसका कनेक्शन, उसको उसने उसको एक्नॉलेजमेंट दिया और जो कनेक्शन था उसको उसने एंड कर दिया कि मुझे डाटा मिल गया। प्रेजेंटेशन लेयर के पास किया, प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, एज पर यूजर नीड उसने जिस फॉर्मेट में यूजर को उसने रिसीव करना था, जिसको रीड कर पाता है, उसने उसी फॉर्मेट में जो यूजर को उसने कन्वर्ट करके उसने रीजन को प्रोवाइड कर दिया। ये आपका एप्लीकेशन लेयर फॉर्मेट ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये एक इंटरफेस का काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर में कोडिंग होती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशन होता है। सेशन लेयर हमारा जो है उसमें ऑथेंटिकेशन परमिशन सेशन रिस्टोरेशन मगी और सेशन को उसने उसके एस्टेब्लिश किया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, एंड टू एरर उसमें एरर चेकिंग किया और उसको सेगमेंट में कन्वर्ट किया। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, उसको राउटिंग किया कि कौन से रूट से ये डाटा जो है जाएगा। डाटा लिंक लेयर ने क्या किया, एरर डिटेक्शन किया और फ्लो कंट्रोलर और फिजिकल लिंक प्रोवाइड किया कौन से लिंक से जाएगा। फिजिकल लेयर ने क्या किया, उसको बिट में कन्वर्ट किया और फिजिकल मीडियम उसने तो उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, और नेटवर्क लेयर की जिसमें राउटर आता है, डाटा लिंक लेयर और आपका फिजिकल लेयर, ये उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। जैसे इसमें बोलते हैं कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को हम अपर लेयर बोल सकते हैं, और नीचे वाली को हम ट्रांसपोर्ट जो है जिसमें हमारा ट्रांसपोर्ट का काम किया वो ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसको फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को हम अपर लेयर भी बोलते हैं और इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं, और नीचे हम ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हम अपर लेयर भी क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं, और नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं, और जिसमें हम ट्रांसपोर्ट लेयर बच गया, जो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ द OSI मॉडल हम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।